केंद्र सरकार जितना पैसा किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए भेजती है, वो पूरा पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता है। जी हाँ भाई बहनों, बिल्कुल सही सुना आपने। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के जनधन खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं 6,000 रुपए की धनराशि। जिन लोगों ने भी अपने जनधन खाते को अपने आधार कार्ड से लिंक कराया था, मोदी सरकार ने सीधे उनके जनधन खाते में 6,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की है। अगर आपका भी एक जनधन खाता है, आप भी आवेदन कर देते हैं तो आपको भी मिलेगा 6,000 रुपए की धनराशि। आप गरीब हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, विकलांग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपका एक जनधन खाता होना चाहिए, आपका जनधन खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और आपको आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेज चाहिए, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हम वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। आपको हम बता देना चाहते हैं भाई बहनों, ये वीडियो मात्र 1 से 1.5 मिनट का होने वाला है, जिसको अगर आप लोग सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, यकीन मानिए आप लोग अपना और अपने पूरे परिवार का मदद कर सकते हैं। आपको बता दें, मोदी सरकार ने गरीब वर्ग के भाइयों बहनों के लिए कई बड़ी सरकारी योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें सबसे बड़ी सरकारी योजना निकल के आ रही है, उसका नाम है जन धन योजना। जन धन योजना के अंतर्गत आप लोगों को आपके जनधन खाते में भारत सरकार सीधे ट्रांसफर कर रही है पूरे 6,000 रुपए की धनराशि, लेकिन इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। देश में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनके जनधन खाते में पैसे मिल चुके हैं, इसका उन लोगों ने मोबाइल में मैसेज भी प्राप्त किया है। इसलिए भाइयों बहनों, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आज आपको हम 1x1 स्टेप बाय स्टेप बताने आ रहे हैं कैसे आप भी अपने जनधन खाते में एक आवेदन करके पा सकते हैं पूरे के पूरे 6,000 रुपए की धनराशि। इसी के साथ बता दें, मोदी सरकार ने कई और बड़ी घोषणाएं भी की है, जिसमें आने वाली दिवाली तक आप लोगों के घर के प्रत्येक लोगों को 5-5 किलो अनाज बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। जिन लोगों का भी SBI में खाता है, अगर वो अपना फ्री इंश्योरेंस चाहते हैं, फ्री दुर्घटना बीमा चाहते हैं, जिसमें अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनके परिवार को 2,00,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी, इसके लिए भी आवेदन चालू हो चुके हैं। आपको SBI में जाकर अपना रुपए जनधन कार्ड बनवाना है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को 2,00,000 रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। इसमें आवेदन करने की फीस निःशुल्क है, 1 रुपए भी आपका नहीं लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह निकल के आ रही है, जिन लोगों का जनधन खाता है उनको उनके जनधन खाते में मिलेगी पूरी 6,000 रुपए की धनराशि। आवेदन करने के लिए आपको समझना होगा कि आपके पास कौन से दस्तावेज होने चाहिए और आप कैसे आवेदन करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दें, हमारे चैनल पर एक महाप्रतियोगिता चल रही है, जिस पर आप लोग जीत सकते हैं स्मार्टफोन। आपको कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे अच्छी रणनीति कौन सी है, सबसे अच्छी योजना कौन सी है जो आप लोगों को सबसे अच्छी लगती है। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप लोग में से जो भी वीडियो लाइक करेगा और हमारे कंप्यूटर पर जिसका भी नाम सामने निकल के आएगा, हमारी तरफ से वो जीतेगा एक 4G स्मार्टफोन। इसलिए भाई बहनों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब आपको हम बता दें, PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हमारे देश में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को भारत सरकार सीधे उनके जनधन खाते में दे रही है 6,000 रुपए की धनराशि। जो भी गरीब रेखा में किसान आते हैं, भारत सरकार उनको PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ये पैसा दे रही है। अब खबरें सामने निकल के आ रही है कि अगले महीने नवी किस्त भी आ सकती है। इसलिए भाई बहनों, आप लोग PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत तुरंत आवेदन कर दें। आवेदन करने के लिए आपको किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने हैं, आपको घर से बैठे बैठे आवेदन करना है। आवेदन कैसे करना है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका हमने पूरा पोस्ट बनाकर कम्युनिटी में डाल दिया है। यहाँ पर समझाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, आप हमारी कम्युनिटी में जाएं, स्टेप बाय स्टेप हमने वहां पे आपको समझा दिया है। मोबाइल जीतने के लिए बस आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है। वंदे।